सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ आज मैं बनाई हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे खाना, क्योंकि अदरा चढ़ गया है तो अभी बनता है हमारे यहाँ खीर। तो चलो मैं खीर बना लेती हूँ। सबसे पहले भगवान को भोग लगाती हूँ। एंड ना, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप सबके साथ शेयर करनी है। कल मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाता, बट थैंक गॉड मैं बच गई। बट मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप मुझे मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं आप सबके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भगवान जी को भोग लगाना है। तो आज हम अदरा जमा रहे हैं, तो किस किस के यहाँ ये बनता है? बारिश के टाइम में खीर पूरी बना के भगवान जी को भोग लगाया जाता है, और छत पे भी भोग लगाया जाता है। तो किनके घर में ये सब होता है मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले हमारा खीर तो बन के रेडी है। बस सबसे पहले हम पूरी निकालेंगे एंड भगवान जी को भोग लगाएंगे। भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैं आप सबसे वो बातें शेयर करने वाली हूँ कि कौन सा स्कैम मेरे साथ रात में हो जाता, बट थैंक गॉड भगवान जी बचा लिया, वरना मैं इतना। बट जिन लोगों को लगता है ना कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, उनकी गलत फहमी दूर हो गई। तो ये हमारा गर्मा गर्म है पूरी रेडी भगवान जी के लिए। तो हम दो पूरियां पूरी निकालेंगे, एक भगवान जी को भोग लगाएंगे और एक बालकनी में रखेंगे। तो गाइस, भगवान जी के लिए यहाँ पे मेरा पूरी रेडी है। यहाँ पे है खीर। तो इसमें ना चावल का ही खीर चढ़ता है, इसलिए मैं बनाई हूँ चावल का खीर। और कितने लोगों का चावल का खीर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ मेरा सब्जी भी रेडी है, बट सब्जी भगवान जी नहीं खाते। तो ये सबसे पहले हम लेके चलते हैं भगवान जी। सबसे पहले मैं लगाते हैं यहाँ भगवान जी को भोग। तो भगवान जी का खाना आ गया है एंड यह है भगवान जी का पानी। तो अभी यहाँ पे भगवान जी लगाएंगे भोग। भोग लगाने के बाद मैं डालती हूँ यहाँ पे तुलसी का पत्ता। तो भगवान जी को अगर भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं। तो भगवान जी को भोग लगा के प्रणाम करके अब चलती हूँ मैं बालकनी में रखने। सो गाइज, ये खाना मैं बालकनी में चढ़ाऊँ। सो गाइज, ये खाना मैं बालकनी में चढ़ाऊँगी। एंड किस किस के यहाँ अदरा जमता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले मैं बालकनी में चढ़ाती हूँ खाना। तो ये आगे मैं बालकनी में एंड मैं यहाँ पर रख देती हूँ ये खाना। गांव में इसको छप्पर पे चलाते हैं, लेकिन मैं अभी यही चलाई हूँ और पानी लेके आती हूँ। गाइस, यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ अदरा भगवान जी के लिए पानी। तो मैं गांव की थोड़ी सी परंपरा जो अपनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भोग लग गया, मैं तुलसी के पत्ते पहले ही डाल दी हूँ। सो ये मेरा बालकनी, बालकनी का मैं तो सब चीज़ आपको दिखाई हूँ। यानी है बाहर का व्यू। सो अभी पूरा बारिश का मौसम है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम प्रणाम करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आप सबके साथ बातें शेयर करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी खाना बना के खाने। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 एंड मेरा लेट हो गया। तो अभी पूरी सफाई करते करते बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। मैं अभी तक सिर्फ फ्रूट खाई हूँ, खाना बिल्कुल नहीं खाई हूँ, क्योंकि मुझे वो ना चढ़ाना था भगवान जी को। सो मैं पूजा वजह सुबह कर ली थी, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि फिर वो करके अच्छे से फिर चढ़ा दूँ सारे भगवान जी को। तो मैं भोग वोग अच्छे से लगा दी हूँ एंड अब मैं आप सबके साथ बातें शेयर करूँगी, ताकि ये स्कैम आप सबके साथ ना हो। तो कल मैं ना मार्केट गई थी सब्जी लेने, और मुझे तब एक कॉल आता है और वो मुझे बोलते हैं कि हेलो बेटा, कि ना मैं आपके पापा का फ्रेंड बोल रहा हूँ विनोद अंकल। मैं किसी पापा के फ्रेंड को विनोद अंकल को नहीं जानती थी, बट उन्होंने बोला कि अब मैं आपके पापा के फ्रेंड हूँ। तो मुझे लगा कि होंगे पापा का कोई फ्रेंड। तो वो बोले कि वही मुझे ना आपका नंबर दिया, मेरा नाम भी बता रहे हैं कि प्रीति बेटा बोल रहे हो, घर यहाँ से आप दिल्ली रहते हो। मतलब मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि वो यूट्यूब से लिए हैं, मैं अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, तो वो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन जो कोई भी है, शायद वो ये ब्लॉग भी देखे, तो पूरी डिटेल्स निकाल के। और तब वो मुझे बोल रहे कि ना आपके पापा मुझे बोले हैं क्या कि 3,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र करने के लिए, कि उनका ना उधार बाकी है।
तो मेरे पापा का टेंट का बिजनेस है ना, वो अक्सर ना मेरा नंबर किसी को दे देते हैं, मेरा मेरी बहन का, कि आप, मुझे लगा कि वो सच बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं इसी नंबर पे भेज दूँ कि आपका एक बार नंबर कंफर्म करता हूँ, और मेरा नंबर भी बोल रहे हैं, तो मैं बोली कि हाँ। तो वो पूछे कि फ़ोन पे चलाते हो या गूगल पे, मैंने बोला फ़ोन पे। तो एक बार ना वो दो बोले कि मैं 2000 भेजता हूँ, कि 1000 में ना दूसरे से फ़ोन से भेजूँगा। फिर ना मुझे 2000 का मैसेज भी आया गाइस, तो मैं ना बोली कि चलो 2000 आ गया। फिर वो बोल रहा है कि मैं ना 1000 आपको भेजता हूँ दूसरे फ़ोन से, कि आप कॉल पे बने रहो, एंड उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, तो मैं कॉल पे ही थी। तो फिर 1000 का मतलब 10000 का मैसेज आया। फिर वो बोले कि प्रीति बेटा आप एक बार चेक करो कि आपको 1000 के ना मतलब 10000 चला गया, कि मुझे आप ना मुझे 9000 रुपये वापस कर दो। तो मैं बोली एक सेकंड, मैं साइड में हो जाती हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में थी एंड मैं साइड में भी हो गई, एंड मैं उनको पैसे ट्रांसफ़र भी कर रही हूँ, बट ना मेरे फ़ोन में 9000 रुपये नहीं था, इसकी वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। बट मैं एक बार भी चेक नहीं की, मैं खुद ही मार्केट में थी, भीड़ में थी, तो मैं सोची मैसेज आ गया तो पैसे आ गए होंगे, मैं खुद चेक नहीं किया, मैं उनको ट्रांसफ़र कर रही थी। बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं था कि वो फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल पैसे नहीं गए, तो बोल रहा है कि ट्राई करो। तो मैं ना अपने हस्बैंड को बोली कि पापा किसी को नंबर दे दिए, पैसे भेज दो। मेरे अकाउंट में मात्र 6 रुपये थे गाइस, एंड जिन लोगों को लगता है ना मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे साथ स्कैम करके भी कोई फायदा नहीं। जो भी हो विनोद जी, प्लीज़ दोबारा से ये ट्राई मत करना, किसी को फेक आईडी बना के किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, वरना जब पकड़े जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा पिटोगे। एंड इसलिए कोई यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, ताकि आप उसका गलत फ़ायदा उठाओ। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज, जितने लोग हो वो प्लीज़ सेफ हो जाओ। एंड मैं अपनी पूरी डिटेल शेयर करती हूँ इस पर, लेकिन मुझे ऐसा अब तो डर सा लगने लगा है कि शायद डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा स्कैम हो सकता है। बट मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे शेयर करना पड़ता है, बट इसका मौका का फ़ायदा प्लीज़ एवरीवन, जो कोई भी हो वो बिल्कुल मत उठाओ, क्योंकि फ्रॉड हर किसी के साथ आप नहीं कर सकते हो। एंड कोई भी अगर आपको कोई पैसा सेंड करे, अगर आपको मैसेज भी आ भी रहा है ना, तो आप सबसे पहले डिटेल चेक करो, उसके बाद किसी को पैसे सेंड। मैं तो बच गई, एंड आप सब भी बी केयरफुल रहो। और चलो मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि थैंक गॉड मैं तो बच गई, एंड मुझे बहुत तेज भूख लगी। एंड गाइस, किस किस को पूरी खीर सब्जी खाना पसंद है वो आ जाओ मेरे यहाँ खाना खाने, एंड मेरे हाथों का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो आओ मैं अपने हाथों से गरम गरम खाना खिलाऊंगी, एंड अगर आप सब मेरे हाथों का खाना खा लिए ना, फिर आप सब मेरे हाथों का खाने का बहुत तारीफ करने वाले हो, क्योंकि आज तक जितने भी लोग मेरे हाथों का खाना खाए हैं वो हर एक लोग तारीफ करके गए हैं, क्योंकि मैं खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता हूँ। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सब कहते हैं, तो अगर आप खाओगे तो आप भी यही चीज़ बोलोगे कि मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ, पर ये सच है। तो आ जाओ आप सबको भी खिलाऊंगी। एंड गाइज, मेरा सब्सक्राइबर डे बाई डे घटता जा रहा है, सो प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ आप सब सपोर्ट करो। मैं समझ रही हूँ कि आप सबको कोई अच्छी ब्लॉग नहीं मिल रही है, घर की ब्लॉग मिल रही है, बट गाइज मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, सो आप समझ सकते हो कि कोई कहीं जा नहीं रहा है, तो फिर मैं बाहर की ब्लॉग आप सबको कैसे दूँ। सो आप सब भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरी तरफ, मैं खुद ही कहीं नहीं घूम रही हूँ गाइज, मैं इतनी घूमने वाली मैं खुद ही कहीं नहीं घूम पा रही हूँ। सो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करो। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, नहीं तो ये पूरी डिटेल मैं लाइव में आके बताने वाली थी, बट मेरी लाइव ना हो ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या इशू हो गया है यूट्यूब के लाइव में। सो गाइज, मेरा खाना यहाँ रेडी है। सो खाना के रूप में प्रसाद भी आप बोल सकते हो, एंड टेस्ट करके मैं टेस्ट बताती हूँ। गाइज बहुत मस्त है, तो ये आप सबके लिए भी है, ये भगवान जी का प्रसाद है, तो आप सब भी भोग लगाओ मेरे साथ साथ, एंड मौका मिले गाइस तो मैं आप सबको ये टेस्टी खाना खिलाऊंगी। एंड ये मेरे हस्बैंड की ट्रिक की सब्जी है, सो आलू बैंगन की सब्जी सूखी एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। सो इतनी टेस्टी सब्जी मैं शादी से पहले कभी नहीं खाई, वो बनाते तो बहुत ही अच्छा था, और मैंने उनसे सीख लिया और मैं खुद बनाने लगी हूँ। गाइज काफ़ी दिनों से डाइट पे थी, सो
सूखा रूखा खाना खा के बोर हो गई थी एंड खा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जो लोग भी मुझे वीडियो देख रहे हैं, अगर विनोद जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरे जैसा फ्रॉड किसी के साथ मत करो। सो गाइस डुग्गू बुग्गू दोनों नहा लिया है एंड बुग्गू के ना एक पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एंड प्रॉब्लम हो गया, सो ये अच्छे से चल नहीं पा रहा। बुग्गू क्यों हो गया मिले बेटी को, मुझे सोना बेटी को। तो बुग्गू का वो जो पाँव है ना, इधर आ बुग्गू, इधर आ, इधर आ मेरा बुग्गा। ये देखो गाइस उसका एक जो पाँव है ना इधर वाले, देखो देखो ये ना इसका बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा है, ये देखो। तो ये इसका दोनों पाँव उठ नहीं पा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बेचारे की तबीयत खराब हो गई है, एक पाँव में चोट लग गई है। इधर आ तो गया, ठीक है इधर बैठ। सो बुक्कू ज़्यादा ही सहने में लगी हुई तू। सो देखो बुक्कू कितना ज़्यादा उदास है। हाँ ठीक है, पेन हो रहा है, मिले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मिले बेटू। देखो ये कैसे रो रहा है, इसके आँख से आंसू भी आ रहे हैं, मिले बेटा। तो इन लोगों को पेन होता है तो ये लोग बता नहीं पाते हैं, बट इन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है गाइस। पेन हो रहा है डुग्गू बुग्गू को, बुग्गू को पेन हो रहा है मिले बेटी। बुग्गू ठीक हो जाएगा। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो लोग पहले से हैं मेरे आईडी पे वो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें भर भर के। एंड अगर जो स्कैम कर रहा था मेरे साथ वो वीडियो देखा है तो प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एवरीवन।